कैमरा देख के बस ये मन होता है कि उसे फोड़ दूँ। दुष्यंत है 2 तारीख को शाम को घर से निकला था और रात को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, तो घर वाले थोड़े चिंतित परेशान हुए। रात भर उसको ढूंढा, उसके फ़ोन पे ट्राई किया और उसी दौरान वो ढूंढ रहे थे जब उनके फ़ोन पे करीब 10:15 बजे दुष्यंत के नंबर से एक कॉल आया। मेरे बेटे के निक्की के फोन से फोन आया और पहले मेरा बेटा ही बोला कि पापा जो है ये मुझे मार देंगे, इनको 10 लाख रुपए दे दो, मुझे बचा लो। फिर वो फोन उस टीआर सेठ ने ले लिया और उसने बहुत ही गंदी गालियां दी मेरे को और मेरे को कहा तेरे बेटे को बचाना है ना तो 10 लाख रुपए इसके खाते में जमा करा दे। मैंने कहा भाई 10 लाख तो मेरे पास नहीं है अभी, तो मेरे को टाइम दो 4 बजे तक का, अभी कितने जमा करा देगा। मैंने कहा मेरे पास 2-3 लाख है, अगर 3 लाख रुपये 20 मिनट जमा करा नहीं तो तेरे बेटे को मार देंगे। मैं खूब गिड़गिड़ाया रोया और बीच में गाड़ी ग्लोज चालू हुई उसकी। अब आपने बताया, आप सब ने कहे यार मैंने मेरी जिंदगी ऐसे, आप सब किसी लड़की से नहीं सुने होंगे। वहाँ से मैंने 3 लाख रुपये की FDR थी मेरी कोऑपरेटिव बैंक में, वो FDR मैंने तुड़वा के उसके पैसे लेके और मैं यूनियन बैंक में गया। बस उसके बाद उसे फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, तो दोबारा फ़ोन नहीं आया। नाम भी पता नहीं था, टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई थी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। और मैं दीक्षांत के साथ में रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का, उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिसको जिससे पैसे आ सके। तो हमने मिल के प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था, किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था, लेकिन जब दुष्यंत मिला उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा दीक्षांत ने, उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने उसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक पहले आपके केस की थी उनको ये बोला कि आप वो चाकू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए लेकर आए थे? मैं आपने दुष्यंत को स्टैब नहीं किया? नहीं किया। जिस दिन टेंडर पर बात हो रही थी अगले दिन हमने एक मीटिंग फिक्स की, हम मिले और उसके बाद कुछ दिन बाद अपने घर चला गया, तो मैं फ़ोन पे थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। फिर ये इन्होंने एक फ्रेंड ले लिया था यहाँ पे, तो मैं भी आ गया। मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था यहाँ, तो ये 3 महीने ब्रेक में मैं इतना फ्री तो रह नहीं सकता मैं, तो बस साथ साथ चलते गए, एंजॉय करते गए। मैं थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गई और प्रिया ने मेरे को बोला था कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं वासु हॉलीडेज के नाम से, तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। फिर उसके बाद फिर घर गया, मैं वापस आया तो मुझे इनकी सारी हरकतों का पता लग गया। बस मैं मौका नहीं देख पाया कि मतलब मैं भागूं कैसे उस टाइम। एट द एंड जब ये दुष्यंत वाले ये जो सीन हुआ, जो भी इतना बड़ा हुआ, ये उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड टाइम पे इसने मेरे को प्लानिंग करके बताया, लक्ष्य ने मेरे साथ इस चीज़ को एग्री किया, चलो कर लेते हैं, कौन सा मतलब मारेंगे उसे, छोड़ देंगे अगले दिन शाम को 4 बजे तक, तो हमने हाँ भर दी। उसके बाद मैं उसको थोड़ा हमने टॉर्चर किया, जो भी ये बयान के अंदर मैंने लिखा बोला अपने। एट द एंड मैम उसने उसका मर्डर कर दिया। सारी प्लानिंग इनकी थी, जो पहले इन्होंने वार किया है चाकू से वो भी इन्होंने की, लास्ट तक भी इन्होंने ही मारा। मैं इसी बयान पे हूँ, इसी बयान पे खड़ा रहूँगा। और ये प्लानिंग प्रिया की थी कि दीक्षांत की थी?
70% प्रिया के लिए, 30% दीक्षांत की। प्रिया की पूरी प्लानिंग थी, प्रिया ने पहले दीक्षांत को यही बताया था भी अपने सिर्फ उसको डराएंगे धमकाएंगे और छोड़ देंगे। सुबह उसको कहा भाई इसको मारना पड़ेगा नहीं तो तुम तीनों फंस जाओगे। उम्र थी आप क्या करते थे अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं एस्कॉर्ट सर्विस की साइट पर काम करती थी, वहाँ लोगों से फ्रॉड करते थे, प्रोवाइड नहीं करवाते थे गर्ल्स। किस तरह से फ्रॉड करते थे? फ्रॉड इस तरह से करते थे कि पैसे लेके भाग जाते थे और कुछ प्रोवाइड नहीं कराते थे। मैं मतलब पैसे लेके भाग जाते थे कैसे, मतलब थोड़ा सा डिटेल। जैसे किसी ने कोई कॉल गर्ल मंगाई, लड़की मंगाई, तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ गई हूँ, और मैं वहाँ से पैसे लेकर निकल जाती थी। बस यही करती थी मैं। और ऐसा आपने कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों के साथ? हजारों लोगों के साथ। कब से कर रही थी प्रिया ये? 6-7 साल हो गए, 6 साल। कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी? नहीं। जब वो बॉडी आपके पास थी तब दोबारा से आप जो आप कह रही थी कि आप काम करती हो करने गई थी? हाँ गई थी। उसके बारे में? बॉडी मेरे पास नहीं थी तब, बॉडी फेंक दी थी हमने, शाम को गई थी मैं, बॉडी दोपहर में फेंक दी थी। तो आप मर्डर करने के बाद भी एक्सटॉर्शन करने गई थी किसी से? एक्सटॉर्शन नहीं बोलते इसको मैडम, आप पहले एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन नेट पे सर्च कर लीजिए खुद। वो लोग कॉल गर्ल्स बुलाते हैं, उसके पैसे देते हैं, कैसे एक्सटॉर्शन कैसे कह सकते हैं आप इसको? डिफाइन कीजिए एक्सटॉर्शन को। मैं उन्हें ब्लैकमेल नहीं करती थी। तो वो बेसिकली जो सर्विसेज आपसे लेने आते थे आप उनके पैसे ले लेते? जी हाँ। वो अपनी बीवियों को घर पे छोड़कर हमसे, मैं गंदा वर्ड यूज नहीं कर सकती, लेकिन हमसे कॉल गर्ल्स लेने आते थे, तो हम उनसे पैसे ले लेते थे, बस उनको देते नहीं थे। तो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ बड़ा अच्छा करते थे हम, थोड़ा समाज सेवा का काम कर रही थी मैं, तो रुक गया मेरा काम। जनवरी 2018 को परिवादी गजराज सिंह ने दर्ज करवाया था कि उसे प्रिया सिंह नाम की लड़की ब्लैकमेल कर रही है। वो अपनी मर्जी से उसके साथ रही थी लिव इन रिलेशनशिप में दिल्ली में, और अब वो कह रही है कि या तो तुम मुझे 10 लाख रुपए दो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस करवाऊंगी, और मैं प्रेगनेंट हूँ, बच्चा पैदा करके तुम्हारे घर पर टक जाऊँगी, इस टाइप से वो उसको ब्लैकमेल कर रही है। अब इसकी हमने बाद में इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके पास रिकॉर्डिंग वगैरह थी, जैसे उसने व्हाट्सएप पे बात करते हैं, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होते तो उसने दूसरे फ़ोन से उनको रिकॉर्ड किया है, और फिर वो पेश किया है कि मैडम वो इस तरीके से मुझे धमकाती है, तो वो उसमें कह रही है कि मैं तेरी बहन के घर पर आके उसके मुँह पर तेजाब फेंक दूँगी, उसकी फ़ोटो एस्कॉर्ट साइट पर अपलोड करूँगी, तुझे मार दूँगी, तेरे परिवार को ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, इस टाइप से उसने काफ़ी उसको धमकाया है, तेरे पे दुष्कर्म का केस कर दूँगी। उस रिकॉर्डिंग के आधार पे हमने उसको गिरफ्तार किया मार्च 2018 को हमने उसको गिरफ्तार किया, तो उसने स्वीकार किया है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, और पैसे भी हमने बरामद किए, 4,14,000 रुपये हमने उससे बरामद किया हुए थे। उसके बाद 12 मार्च को उसकी जमानत हो गई। किस तरह की प्रॉब्लम्स आई मैम? प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि एकदम से अपन ये किसी को कन्विंस करना आसान नहीं होता है कि भाई लड़की का हर कोई मान लेगा कि उसके साथ रेप हुआ है, या उसमें हमें चालान पेश करने में बहुत आसानी रहती है, लेकिन अगर लड़का उसके खिलाफ करता है कि मैंने उसके साथ ये किया है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो एक तरह से ये लीक से हट के काम हो गया। तो उसके लिए आती है, मैं PC रिमांड पर गई हूँ, PC रिमांड लेने के लिए उसके गई हूँ कोर्ट में, तो भी मुझे काफ़ी टाइम जज साहब को ये बताने में लगा कि इसमें ये एविडेंस आए हैं, इसके आधार पे मैंने इसको गिरफ्तार किया है, जज साहब ने पूरी फाइल अच्छे से देखी है, उसके बाद उन्होंने PC दी है। मैम आपको लगता है कि रेप लॉ का जो आज के टाइम पे मिसयूज़ हो रहा है?
बिल्कुल काफ़ी मामलों में हो रहा है। अब इसी मामले में देखो वो अपनी मर्जी से रिलेशन बनाती है और फिर वो उसमें केस में फंसाने की धमकी देती है और उसके जो रिलेशन बनाना है वो उसको अपनी मर्जी से है, क्योंकि उसका तो काम है कि रिलेशन एक बार बन जाए उसके बाद मैं इसको धमकाऊँगी, उससे पैसे लूँगी। इस वो तो मैम हमारा जो लॉ है उसमें डेटरेंट है कि अगर कोई इस तरह से फॉल्स केस करता है तो उनके उनको भी पनिशमेंट मिले ना चाहिए, बट वही है लो लड़कियों के पक्ष में ज़्यादा और लड़कियां होती भी हैं, लड़कियों के साथ जाती होती भी है, लेकिन कई लड़कियां इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। चलो मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन अगर वो बाहर आ गए, कोर्ट से बाहर आ गए, वो जमानत हो गई किसी भी तरह से, वो किसी और के साथ भी यही करेंगे। मैं तो यही चाहूँगा आप लोगों से, भाई इसको इतना हाईलाइट करो कि इसको इनको जो है फांसी की सजा मिले, जब मेरी आत्मा को शांति मिले।